डेसिमल से सारे में जाएंगे, डेसिमल से बाइनरी में चले गए, अब डेसिमल से ऑक्टल में जाते हैं। तो वही वाला तरीका है, हमने 8 से डिवाइड करना है जो रिमाइंडर आगे वो देखते जाना है। 8 से डिवाइड किया 25 आ गए, वो रिमाइंडर चला गया 25 के साथ, 8 3 और 24 और 1 25, 0 के साथ 3 रिमाइंडर, 3 मोस्ट सिग्निफिकेंट हो जाएगा और 4 लीस्ट सिग्निफिकेंट हो जाएगा, तो ये 3 1 4 बन जाएगा। इसी तरह पॉइंट वाला कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो वो पिछला प्रोसीजर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे पॉइंट से पहले क्या है 4 आ गया, उसको बाहर ले गए, 0.9872 को फिर रीयूज कर लिया, अब 7 आ गया, ठीक है, 0.8976 को रीयूज करके 7 आ गया, उसके बाद 1 आ गया, 3 आ गया, जहां तक हम जाना चाहेंगे। इसी तरह ये मोस्ट सिग्निफिकेंट, इसके इसमें उल्टा होता है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट हो जाएगी, ये लीस्ट हो जाएगी, तो ये बनेगा 0.47713।